शो शुरू हो उससे पहले सब लोग मेरे साथ बोलिए जय माता दी। फिर से बोलिए जय माता दी। जोर से बोलिए भाई जय माता दी। गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी गुड लक एंजल तोशिका रजोरा। जानते हैं मैंने आपसे ये जयकारा क्यों करवाया? क्योंकि सच्चे दिल से माँ को याद भी कर लिया तो माँ आपका जरूर कल्याण करेंगी। और आज मैं नवरात्रि का छठा दिन है तो माँ कात्यायनी जी को नमस्कार कर लीजिए। आज मैं आपको कल की तैयारी करवाने वाली हूँ। आपको आपका मन चाहा वर माँ कात्यायनी से दिलवाएं, उससे पहले कल की पूजा कैसे करनी है आपको ये जान लीजिए। सुबह जल्दी उठकर आप नहा लीजिए। नहाने के बाद देवी का ध्यान जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आपने करना क्या है, हर दिन की तरह आपको जो भी मंदिर में आपके स्थापित कलश होगा उसमें उपस्थित सारे देवी देवताओं की पूजा करें। फिर माँ की पूजा करें, उन्हें शहद का भोग जरूर लगाएं क्योंकि माँ कात्यायनी को शहद बहुत ही ज्यादा प्रिय है। साथ ही साथ माँ को थोड़े से अक्षत फूल ये जरूर चढ़ाएं। ये चढ़ाते समय माँ का बीज मंत्र आपको अभी बताने जा रही हूँ, उसको नोट कर लीजिए। चंद्रा हसोज्जे वलकारा शत्रु लवर वाहना कात्यायनी शुभम दाग्या देवी दानव घटनी। माँ के इस मंत्र को आपको चांट करना है कम से कम 108 बार। उसके बाद माँ कात्यायनी का जो रंग होता है, जो उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, वो होता है ऑरेंज कलर, जो उनका फेवरेट माना गया है। ऑरेंज कलर को पहन के, यानी जब पूजा के समय आप बैठे उस समय अगर आपने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने और ऑरेंज कलर की साड़ी या वस्त्र माँ कात्यायनी को चढ़ाएंगी तो वो बहुत खुश हो जाती है। साथ ही साथ आपको ऑरेंज कलर की कुछ टिप्स भी बता देती हूँ जो कल के दिन करने से आपको माँ कात्यायनी की कृपा जरूर बढ़ सकेगी। अपने घर के साउथ या साउथ ईस्ट कॉर्नर में आप ऑरेंज कलर जरूर करवाएं। अगर आपकी किचन है तो वहां तो जरूर ऑरेंज कलर लगाएं। नहीं लगा सकते तो कम से कम ऑरेंज कलर की फ्लावर जरूर रख ले। ये आपकी जिंदगी में प्रोस्पेरिटी को लेकर आता है। ऑरेंज कलर की अगर इम्पोर्टेंस की हम बात करें, प्रोस्पेरिटी के साथ साथ आपकी बॉडी में ऑरेंज कलर बहुत ज्यादा ऊर्जा दे देता है। अगर आपको सैडनेस है, डिप्रेशन है, इन सारी चीजों से ऑरेंज कलर आपको निकाल देता है। साथ ही साथ ऑरेंज कलर आपके सोशल रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छी तरीके से बना देता है, बिठा देता है। ऑरेंज कलर अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव माना गया है क्योंकि सूर्य का रंग होता है, ये आपको कॉन्फिडेंस भी जरूर देता है। आप चाहें तो कल के दिन आप माँ कात्यायनी को गेंदे का फूल जरूर चढ़ा सकते हैं। स्पेशली जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, अपने एग्जाम्स दे रहे हैं या देने की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स अगर कल के दिन माँ कात्यायनी को गेंदे यानी ऑरेंज कलर का फ्लावर चढ़ाएंगे तो वो देखेंगे उनकी पढ़ाई में सफलता मिलेगी उन्हें। अगर आपकी शादी का योग नहीं बन रहा हो तो कल माँ कात्यायनी की पूजा जरूर कर लीजिए। इसके पीछे की वजह जानिए। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए गोपियों ने माँ कात्यायनी की आराधना की थी। इसीलिए माना जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से जल्दी शादी हो जाती है। तो जिनकी भी शादी नहीं हो रही है उन सभी लड़के लड़कियों को कल के दिन माँ की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। तो जिनकी भी शादी नहीं हो रही है उन सभी लड़के लड़कियों को कल का दिन बहुत ही ज्यादा खास है। अगर कल के दिन आप कोई भी उपाय करते हैं तो ये समझिए कि आपका वो उपाय जरूर लगेगा। तो बताने जा रही हूँ, सबसे पहले अगर आपकी बेटी की, आपकी बहन की या किसी भी ऐसी कन्या की शादी नहीं हो रही है जो बहुत ही लंबे समय से, जिसकी शादी का आप इंतजार कर रहे हैं, तो आपने करना क्या है, माँ की एक मूर्ति लेकर आ जाइए। मूर्ति या उनका कोई चित्र भी चलेगा। उसके बाद माँ के उस चित्र या मूर्ति पे थोड़े से अक्षत चावल के दाने, दो फूल, एक गंधा, चार दीपक, तीन फूल, चार मिठाई लेकर माँ को अर्पण कर दीजिए, माँ को चढ़ा दीजिए। मैं जो मूल मंत्र बताने जा रही हूँ उस मंत्र का जाप कीजिए। अमुक सूतम अमुक देवी कात्यायनी महामाय महायोगिनी दिनेश्वरी मंद गोपी सूतम देवी पति मैं कुरु ते नमः। इस मंत्र का आपने 1001 बार जाप करना है या किसी महंत या पंडित जी से करवाना है। आप देखेंगे आपकी बेटी की शादी जल्द हो जाएगी।
बताती हूँ आपको आज की भाई पहली गुड लक टिप। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही ज्यादा नजर लग गई है और आपकी नजर उतरने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आपने करना क्या है, शनिवार को 7 बार एक जड़ वाला सबसे पहले तो नारियल लीजिए जिसके अंदर पानी जरूर हो। उस नारियल से 7 बार क्लॉकवाइज अपने सर से लेके पैर तक आप घुमा लीजिए। घुमाने के बाद आपने करना क्या है, किसी भी नदी के पास जाइए और नदी के पास आपने उस नारियल को छोड़ देना है। जब आप उस नारियल को छोड़े तो इस मंत्र का जाप जरूर कर ले, ओम राम दूतम नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 बार आप जाप कर लीजिए, आप देखेंगे आपको परेशानी नहीं सताएगी। बहुत से लोग हैं जो हमें शिकायत करते हैं कि नौकरी तो लग जाती है लेकिन नौकरी जल्द ही छूट भी जाती है। तो अगर आपकी नौकरी बार बार छूट रही है तो जानिए आज का दूसरा गुड लक टिप। आपने करना क्या है, एक नारियल लेना है, नारियल की जो जड़ यानी नारियल के जो छिलके होंगे उस छिलकों को आपने जला लेना है। जलाने के बाद उसकी एक भस्म सी, उसके भूरा सा बन जाएगा, उसको आपने नारियल के पानी में मिला के पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद आपने करना क्या है, ध्यान से सुनिए, आपने कपड़े के अंदर उसको थोड़ा थोड़ा डाल के 7 पोटलियां उसकी बना लेनी है। 7 पोटलियों में से 4 पोटली तो आपको अपने घर के चारों दिशाओं में डाल देनी है, साथ ही साथ 1 पोटली आपने अपने घर के टेरेस पे डाल देनी है और 1 पोटली पीपल की पेड़ की जो जड़ होगी वहां पे रखाइएगा। जो 7वीं पोटली बचेगी वो आपने रखनी है अपनी पॉकेट के अंदर। आप देखेंगे कि आपको नहीं सताएगी ये परेशानी और आपकी जो जॉब बार बार छूट रही है वो भी नहीं छूटेगी। माँ कात्यानी को कैसे खुश करना है ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन अपनी राशियों के द्वारा कल का दिन कैसे आपको बिताना है आइए जान लेते हैं। मेष राशि वालों शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपकी राशि से। तो कल आपके सितारे कितने ज्यादा बुलंद है भाई, कल का दिन ऐसा हो सकता है कोई आपकी पद या फिर प्रतिष्ठा का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी आपकी पार्टनरशिप में आता हुआ ऐसा मुझे लगता है। साथ ही साथ ये भी बोलूंगी कि कल के दिन अगर आप अपनी चीजों को गुप्त रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको इससे बेहतरी मिलेगी। मैं अपने गुड लक मीटर में कल के दिन के लिए भैया आपको दे रही हूँ। वृषभ राशि वाले लोग जान लेते हैं कि शुक्रदेव कितने ज्यादा मेहरबान और अधीन है आपके ऊपर। चलिए कल के दिन की अगर मैं बात करूं तो वृषभ राशि वाले लोग कल ऐसा हो सकता है किसी काम को करने का आपका मन ना करे, आपको ऐसा लगे कि मैं इस चीज से भाग जाऊं निकल जाऊं, पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि आप ये समझे आपका काम जो है वो 90% हो चुका है, बस 10% ही तो बचा है। साथ ही साथ ये भी बोलूंगी कि कल के दिन कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव या कंस्ट्रक्टिव अगर चीजें आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ कल के दिन आपको रिजिड नहीं होना है, जिस भी चीज पे आप अटके कि भाई ये तो मैं नहीं करूंगा, यकीन मानिए कुदरत वही चीज हमारे सामने ले आती है, तो इसका ध्यान रखिए। कल के दिन के लिए मैं अपने गुड लक मीटर में आपको देने जा रही हूँ यहाँ पे। मिथुन राशि वाले लोग यानी जेमिनाई के बारे में बात कर रही हूँ, जेमिनाई कल आपका दिन कैसा जाने वाला है, टैरो कार्ड्स निकाल लिए मैंने। भाई कल के दिन की बात करें तो कल दिन तो आपका बहुत बेहतरीन जा रहा है। बेहतरीन क्यों जा रहा है आइए बता देती हूँ। कल ऐसा हो सकता है कि आप अपने लव मेट से मिले, साथ ही साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी चीज आप असाइन करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं जो आपको आगे जाके फायदा देगा। साथ ही साथ अपने फैमिली की जो भी आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद कल के दिन आपको जरूर मिलेगा, और यकीन मानिए बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाए तो वो फलता जरूर है। आपके लिए मैं यही चीज बोलूंगी कल के दिन अपने पेशेंस का बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपके सारे काम बन जाएंगे। मैं अपने गुड लक मीटर में कितने देने जा रही हूँ आपको देख लीजिए भाई स्क्रीन पे। कर्क राशि वाले लोग देख लेते हैं कि चंद्रदेव आप पे कितने मेहरबान है और कात्यानी माँ कितना आशीर्वाद दे रही है आपकी झोली में। आपके टैरो कार्ड्स निकालते हैं और टैरो कार्ड्स तो भाई कल के दिन आपको ये बोल रहे हैं, कल कोई भी डिसीजन अगर लेने में आप बहुत ज्यादा देरी कर रहे हैं तो उस डिसीजन को जल्दी ले लीजिए। हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले और आप सिर्फ सोचते रह जाए और कोई और उसका फल यानी बेनिफिट ले जाए, तो आपने ये बिल्कुल भी होने नहीं देना है।
साथ ही साथ ये भी बोलूंगी आपकी बाकी के टैरो का जी इंडिकेट करें, कल फोकस रखिए अपने काम में, थोड़ा सा आपको फायदा जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर किसी ने लंबे समय से आपसे पैसा उधार ले रखा था तो वो पैसा मिलने के भी चांसेस है कल के दिन। कल के दिन गुड लक मीटर में कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको जान लीजिए। सिंह राशि वालों, सिंह राशि जानते हैं कि कल के दिन आपका दिल और दिमाग कितना ज्यादा बैलेंस रहने वाला है। भाई सिंह राशि वालों, आपके बारे में बात करूं तो आप लोग होते ही हैं थोड़े से एग्रेसिव, बहुत जल्दी इम्पल्सिव डिसीजन कभी कभार ले लेते हैं। वही गलती आपको कल नहीं करनी है, कल इसी चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन आपने नहीं लेना है। किसी को कोई अपना प्रपोजल या कोई भी चीज प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपके कल के काम बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएंगे। याद है कि बस थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रख लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। कल के दिन के लिए मैं अपने गुड लक मीटर में आपको यहाँ पे देने जा रही हूँ कन्या राशि। कन्या राशि देखते हैं टैरो कार्ड आपके लिए क्या मैसेज देते हैं कल के दिन के लिए। भाई डेविल का कार्ड यहाँ पर आ गया है। डेविल का कार्ड दिखाता है कोई भी एडिक्शन है अगर कन्या राशि वालों आपको, या किसी चीज के पीछे बहुत ही लंबे समय से आप पड़े हैं और आपको पता है कि वो चीज आपके लिए सही नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी जिद है कि आपको वो चीज पानी है, तो आपको उस चीज को छोड़ देना है, लेट गो कर देना है। साथ ही साथ आपके लिए मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे आ गया है, जो ये बता रहा है अगर आप अपनी लाइफ को, चीजों को गो थ्रू करेंगे, बैलेंस करना शुरू कर देंगे तो कल का दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा। कल आपको वो यूनिवर्स से सारी चीजें मिलेंगी जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। कल के दिन के लिए अपने गुड लक मीटर में कितने पॉइंट्स दे रही हूँ मैं जान लीजिए। तुला राशि वालों, जान लेते हैं भाई आपके बारे में। होते तो आप बहुत ही ज्यादा बैलेंसिंग है, लेकिन कभी कभार चीजें आपको हिट कर जाती है, और देखिए हिट कर रही है ना यहाँ पे। हो सकता है कल के दिन आप थोड़े से इमोशनल हो जाए, अपने इमोशंस का ध्यान रखिए। खुश रहने की कल के दिन पूरी पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है भाई, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये चीज बता रहा है कि कल आपको वो सारी चीजें मिलने वाली है जो आपके दिन को अच्छा करने के लिए आपके लिए जरूरी होंगी। साथ ही साथ कल के दिन कोई ट्रैवलिंग ट्रिप्स भी आप प्लान कर सकते हैं, आपको फायदा होगा उससे। कल मूवमेंट का कार्ड जो आपके लिए यहाँ पर आ गया है, तो वो ये इंडिकेट करता है कि कल हो सकता है कि आपकी प्रोग्रेस हो, आपकी चीजों में बढ़ोतरी होती हुई मुझे नजर आ रही है। कल का दिन ओवरऑल आपके लिए बहुत बेहतरीन लग रहा है मुझे। मैं अपने गुड लक मीटर में आपको दे रही हूँ भाई 7। वृश्चिक राशि वालों, देखते हैं आपके कार्ड क्या कहते हैं। वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात करूं, मंगल का साइन होता है भाई, इनमें थोड़ा सा गुस्सा होता है लेकिन उतने ही इमोशनल भी होते हैं, और कार्ड भी ये चीज इंडिकेट कर रहे हैं कि हो सकता है आप एक नारियल की तरह कल के दिन बिहेव करें, कि आपको लगे, बाहर से दुनिया को लगे आप बहुत सख्त हैं, अंदर से आप उतने ज्यादा नरम और उतने ही ज्यादा लीनियंट होंगे। कल सेलिब्रेशन का कार्ड आया, तो कल के दिन को एंजॉय कीजिए, अपने आप को थोड़ा पैम्पर कीजिए, अपनी लुक्स, अपनी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। साथ ही साथ ये बोलूंगी, माँ की सेहत तो अच्छी रहेगी पर माँ की चिंता बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है। न्यू अपॉर्चुनिटी कल दूर देश से, यानी कि बाहर से आपको कोई अच्छा मैसेज, कोई अच्छी खुशखबरी जरूर मिलेगी। मैं अपने गुड लक मीटर में आपको कितने पॉइंट्स दूं आइए जान लेते हैं। चलिए सैजिटेरियस, कल का दिन आपके लिए ओवरऑल अच्छा मुझे यहाँ पे लगता है। अच्छा इसीलिए बोलूंगी, कल हो सकता है कि आपका कोई मदद करने के लिए आपका कोई संगी साथी सामने आ जाए। यहाँ तक कि कल के दिन मुझे चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर किसी ने आपसे पैसा लिया है या आपने किसी को पैसा देना है, तो कल के दिन ये बहुत अच्छा समय है। कोई अच्छी गुड न्यूज या फिर पैसा वापस आने के भी चांसेस मुझे लगते हैं। बहुत लंबे समय से अगर आप कोई भी क्रिएटिव काम में अपना हाथ आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे थे, कोई क्रिएटिव काम करने के बारे में सोच रहे थे, तो ये समझिए कि आपका समय बस आ ही गया। मैं अपने गुड लक मीटर में कल के दिन के लिए आपको दे रही हूँ भाई कैप्रिकॉन्स। बात करते हैं आपके बारे में, कल के दिन तो आप बहुत ही ज्यादा खुश रहने वाले हैं। कल आप ये समझे कि कोई गुड न्यूज तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, साथ के साथ लंबे समय से अगर कोई विश आपकी जो पूरी नहीं हो पाई है, तो कल के दिन वो विश जरूर पूरी हो जाएगी। फीमेल्स अगर बहुत लंबे समय से प्लान कर रही है अपनी फैमिली को लेके, तो प्लानिंग आपकी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। मैं अपने गुड लक मीटर में आपको कल के दिन दे रही हूँ भाई कुंभ राशि वालों। कुंभ राशि वालों, जानते हैं आपके दिल, दिमाग और आपके सराउंडिंग का हाल।
कल के दिन की अगर बात करूं भाई, कल के दिन तो आप बहुत ही ज्यादा मन मौजी रहने वाली सिचुएशन में रहने वाले हैं। कल के दिन आपको ट्रैवलिंग करने का बहुत मन करेगा, बस घूमता रहूं, घर जाऊं ही ना। मैं अपने गुल्लक मीटर में कितने पॉइंट्स दे रही हूं आपको सुन लीजिए। मीन राशि वालों, आइए जानते हैं आपके बारे में, कल का दिन आपका कैसा जाने वाला है। मीन राशि की अगर मैं बात करूं तो कल का दिन मीन राशि वालों आपका मिक्स जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन पर्सनल लाइफ में हो सकता है पार्टनर से कल के दिन हो जाए थोड़ा सा मनमुटाव। साथ ही साथ शायद आपको ये लगे कि पर्सनल लाइफ में मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया, पर आपको गलत फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ इतनी ज्यादा बढ़िया जाने वाली है कि आपके सारे दुख और दर्द को पूरा कर देगी, और साथ ही साथ माँ कात्यायनी की कृपा भी तो रहेगी आप पे। कल के दिन के लिए मैं आपको कितने दे रही हूँ जान लीजिए, कल के दिन मैं आपको दे रही हूँ। चलिए आज के लिए ले लेती हूँ आपसे इजाजत, क्योंकि आज मैंने आपको बता दिया कि आपको कल की तैयारी कैसे करनी है, लेकिन कल फिर मुझसे जुड़िएगा इसी समय पे, इसी शो पे, इसी चैनल पे, क्योंकि कल मैं आपको बताऊंगी माँ काल रात्रि को प्रसन्न करने वाले कुछ अचूक और संपूर्ण उपायों के बारे में, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा मेरा। तो मिलती हूँ आपसे कल, मैं आपकी गुड लक एंजल, ध्यान रखिए अपना।